हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर। 27 तारीख को मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था, तो क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे, कैसा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, उस बारे में इस वीडियो रहेगी। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना आप लोग, इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मेरा 27 फरवरी को पैनल 1 अहमदाबाद के अंदर इंटरव्यू था, और जाते ही सबसे पहले 8:30 बजे का टाइम था, तो फिर सबसे पहले डीवी हो रहा था सभी का, वन बाय वन वो नाम बुला रहे थे। तो डॉक्यूमेंट्स पहले ही बता देते हैं, प्लस इस बार तो ऑनलाइन भी अपलोड करने थे। तो डीवी का प्रोसेस काफ़ी इजी था, इजीली वो डीवी हो रहा था। बस आप लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट को अरेंज करके ले जाओ पहले से, और फोटोकॉपी उन्होंने नहीं ली है, उन्होंने ओरिजिनल ही देखे हैं। ठीक है, तो डीवी हुआ, डीवी होने के बाद जिन जिन का डीवी हो गया उनका वन बाय वन हर पैनल में से 4-5 स्टूडेंट को लेके जा रहे थे, जहाँ इंटरव्यू हो रहा था इंटरव्यू रूम के सामने वहाँ बिठा रहे थे। तो मेरा हुआ था कुछ 12:15 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उससे पहले लगभग 11:45 के आसपास हमें वहाँ इंटरव्यू जो पैनल बैठा था उसके बाहर ले गए, जहाँ सोफे लगे हुए थे वहाँ पे 5-6 स्टूडेंट को ऑर्डर वाइज बिठा देते हैं कि इसका इसके बाद इंटरव्यू है, तो उसी ऑर्डर में बैठना हो बिठा दिया हमें। ठीक है, फिर बेल बज रही थी, तो वन बाय वन सब एंट्री ले रहे थे, मैं कम इन करके। तो 12:15 के आसपास मेरा टर्न आया, बेल बजी, तो फिर मैं अंदर गया, मैंने पूछा मैं कम इन सर, तो उन्होंने बोला आइए आइए। फिर अंदर गया, फिर मैंने सबसे पहले मैम को ग्रीट किया, तो उस टाइम पे गुड आफ्टरनून बोला मैंने, ये भी ध्यान रखना है आपको कि 12 बजे के बाद हो रहा था, तो गुड आफ्टरनून सबसे पहले मैम को ग्रीट किया, फिर सारे सर को ग्रीट किया। उन्होंने कहा फिर कि बैठिए आप, बैठिए आराम से। फिर बैठा, फिर जाते ही बोल दिया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स बोले थे, जो मेरे को लास्ट 2.5 ईयर हो गए बैंक ऑफ इंडिया में वर्क करते हुए, तो इस दौरान मैंने टीम वर्क सीखा है, प्रेशर में वर्क करना भी सीखा है, और रेस्पॉन्सिबल वे में, इस टाइप के मैंने वर्ड बोले। तो उन्होंने बोला कि आपने ये वर्ड्स काफ़ी अच्छे बोले हैं, तो वहीं से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बोला कि आपने बोला है कि आपने प्रेशर में वर्क किया, तो इसका एग्जाम्पल बताओ आप कि आपने कैसे किया है। प्लस इस चीज़ में जो पैनल के अंदर एक सर थे वो बहुत ध्यान से देख रहे थे, बस मेरे को नोटिस कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि वो बस बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कैसा है एस्पिरेंट का, वही देख रहे थे। तो बिल्कुल आराम से मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि प्रेशर में वर्क कैसे किया है, मैंने वो चीज़ बताई। फिर उन्होंने बोला कि आपने टीम वर्क का भी एग्जाम्पल दिया, तो टीम वर्क आपने कैसे किया था उसका भी एग्जाम्पल लेके बताओ। और फिर मैंने जब प्रेशर वाली बात बताई, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो कुछ प्रेशर था नहीं, वो बस मेरे को डाउन करने के लिए बोल रहे थे, जानबूझ के वो बोलते हैं कि इसमें कुछ था नहीं, ताकि अपन अपनी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन हो जाए, अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, इसीलिए वो ये सब बोलते हैं, बट आपको नॉर्मल रहना है। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को पूछा टीम वर्क में आपने क्या किया, तो टीम वर्क में मैंने बोला कि KYC वगैरह के बारे में बताया, कि जब बहुत सारे अकाउंट एक साथ डोरमेंट हुए थे, तो हम 3-4 लोगों को असाइन किया था, तो उसका भी ऑर्डर बना के हमने वर्क किया, टीम वर्क में ये बताया। प्लस एक्सपीरियंस, सॉरी प्रेशर वाला जो पूछा, उसमें मैंने बोला कैश वाला, कैश में जो एकदम भीड़ आती है, सिस्टम भी नहीं चलता है, तब कैसे हैंडल करना है, तो ये प्रेशर का वर्क हो गया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने बीटेक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आपने JEE के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि राजस्थान में तो JEE की काफ़ी अच्छी वैल्यू है, क्यों नहीं किया आपने। तो मैंने उनको क्लियर बोल दिया कि सर मुझे जल्दी से जल्दी जॉब लगना था, और बीटेक का बैकग्राउंड जो स्टडी से रिलेटेड मेरा इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट बैंक का ही स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट वो मुझसे बोल रहे थे कि आपको इसमें जाना चाहिए था, इसमें काफ़ी अच्छी आपकी वैल्यू होती, और राजस्थान में तो JEE को ऑफिसर अच्छा उसको ऑफिसर मानते, उसकी वैल्यू भी अच्छे करते हैं, बट मैंने उनको बोल दिया ये क्लियर। फिर उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि DICGC क्या है, फिर DICGC के बारे में पूछा, मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि इसमें पर कस्टमर 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है पर अकाउंट, तो पर कस्टमर मिलता है, चाहे उसके कितने अकाउंट हो, हर कस्टमर को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। और फिर और मेरा एक चीज़ और देखी थी, वो आंसर कंप्लीट नहीं होने दे रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे वो। और फिर उन्होंने पूछा कि अकाउंट डोरमेंट होता है, इनऑपरेटिव होता है, तो उस कितने टाइम बाद होता है, तो वो 2 साल है, अभी SBI क्लर्क में भी वो क्वेश्चन आया था। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर कोई अकाउंट में 10 साल से ज़्यादा पैसा पड़ा है, तो वो फिर कहाँ जाता है, मैंने कहा RBI के एजुकेशनल फंड में जाता है,
डेफ अकाउंट में जाता है, तो उन्होंने कहा डीफ की फुल फॉर्म बताओ, तो वो मेरे क्लिक नहीं हुई थी वहाँ पे, जबकि वो आती थी, बट ऐसा होता है जो आता है वो भी क्लिक नहीं होता अपने। तो डीफ की फुल फॉर्म एक तो यहाँ नेगेटिव रहा, यहाँ नहीं आया मुझे। और फिर उन्होंने एक सर ने बोला, जो शायद चेयरमैन सर थे, उन्होंने बोला कि आपको हमने 10 करोड़ का प्रपोजल आया है, आप ही मैनेजर हैं, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो उनको बोला मैंने कि सबसे पहले उनका सिविल चेक करेंगे, सिविल सही हुआ तो फिर इंस्पेक्शन करेंगे, जो वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। वर्क चेक करने के बाद फिर उनसे डॉक्यूमेंट लेंगे, केवाईसी केवाईसी लेंगे, उनका आईटीआर लेंगे, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उद्यम आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके फिर आगे जो ब्रांच असाइन होगी उनको सेंड करेंगे, क्योंकि 10 करोड़ की पावर मैनेजर की नहीं होती है। तो आगे जो भी ब्रांच होगी, एसएमई या आरबीसी या जोनल ऑफिस, वहाँ सेंड करेंगे। तो बस उन्होंने बोला ठीक है ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ गए वो। फिर मैम बैठे थे, मैम ने पूछा था, इनऑपरेटिव वाला क्वेश्चन भी मैम ने पूछा था, और उन्होंने मैम ने ही पूछा ड्यू डिलीजेंस क्या है ये बताइए। तो ड्यू डिलीजेंस के बारे में बताया कि जो भी अपन वर्क करते हैं कस्टमर से आने से पहले, अगर कस्टमर की केवाईसी वेरीफाई कर रहे हैं, कस्टमर का सिविल चेक कर रहे हैं, और कस्टमर को आपने लोन दे दिया, उसके बाद उसका आप जाके वापस इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए लोन लिया है क्या वही चीज़ वो कर रहा है, जैसे घर के लिए लोन लिया और वो बिजनेस कर रहा है, तो ये भी आपको जाके इंस्पेक्शन करना है। तो ये सारा पार्ट है ड्यू डिलीजेंस का, तो ये वाली चीज़ बताई। और फिर उसके बाद बाउंसर क्वेश्चन उसके बाद आए, फिर एक सर बाहर गए हुए थे पैनल में से, वो वापस आए। फिर वो आते ही मेरी, उन्होंने देख लिया कि इलेक्ट्रिकल में बीटेक की है, वो आते ही बोले ग्रीन एनर्जी क्या है। फिर थोड़ा सा मैं एक सेकंड मैंने स्टॉप लिया, फिर मैंने बोला कि सर रिन्यूएबल एनर्जी के सारे सोर्सेस ग्रीन एनर्जी है, जो विंड पावर है, सोलर पावर है। उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला कि कंप्रेस बायोगैस नहीं है। मैंने कहा सर वो भी कंप्रेस बायोगैस भी ग्रीन एनर्जी का ही पार्ट है। बोले कि कंप्रेस बायोगैस क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने बताया कि सर गोबर और जितना भी कूड़ा कचरा होता है उसको कंप्रेस करके बायोगैस बनाई जाती है। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे घर पे सोलर पैनल लगाना है, उसका मैकेनिज्म बताओ आप, वो कैसे वर्क करेगा। तो पहले तो मैंने मना किया, सॉरी सर इसके बारे में प्रॉपर मैकेनिज्म तो मुझे नहीं पता, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि जो सन की वेव आएगी वो सोलर प्लेट लगेगी उसके ऊपर गिरेगी, फिर वहाँ से वो उसके अंदर इक्विपमेंट लगेंगे, वो उसको चेंज कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो वो थोड़ा रुके, उन्होंने बोला कि नहीं पूरा बताइए। मैंने कहा नहीं सर पूरा नहीं पता मुझे। तो फिर मैंने डिनाई किया। फिर उन्होंने नेक्स्ट पूछा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है। मैंने बोला कि सर पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स करते हैं, वही एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। फिर सर ने बोला कि इसका टारगेट क्या है। यहाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सर ने उससे पहले सीबीजी पूछा था, और अभी जो सीबीजी का टारगेट दिया था कंप्रेस बायोगैस का, कि सभी कंपनियों को 1% सीबीजी यूज़ करनी है, तो मैंने इथेनॉल की जगह सीबीजी सुन के 1% बता दिया, जबकि पता था कि इथेनॉल का 10% है। तो फिर मैंने सर को ये भी बोला कि सर ये 1% से बढ़ा के 2% कर दिया है, जो 0-0 का डिफरेंस था, कि एथेनॉल में पहले 10% टारगेट था, फिर 10 से बढ़ा के 20% कर दिया था, तो यहाँ गलत बोला। तो उन्होंने बोला, उन्होंने थोड़ा देखा एक दूसरे की तरफ, फिर लास्ट में बोला कि ठीक है आप जाइए। मुझे लगा काफ़ी छोटा हुआ इंटरव्यू, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने क्वेश्चंस करे। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला था मुझे कि हम आपको 2.5 ईयर हो गए हैं, तो आप किसी अनएम्प्लॉय की सीट खाओगे तो आपको क्यों लें हम। तो मैंने यही बोला कि सर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा, और सिस्टम का भी अच्छे से नॉलेज है, सिस्टम पर कैसे वर्क करना है। उन्होंने बोला ठीक है। बस यही इंटरव्यू था, और इससे यही मैंने तो यही देखा है कि इंटरव्यू के अंदर वो मोस्टली कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे आपका, कि कॉन्फिडेंस कैसा रहता है, और थोड़ी सी स्माइल भी रखनी है आपको। हल्की सी स्माइल के साथ ही मैंने सारे आंसर्स के जवाब दिए, और कहीं पे भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जितना रहेगा प्रॉपर, चाहे क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मना करो कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है, जो एक क्वेश्चन में मैंने गलती की, जैसे डेफ वाले में मैंने क्लियर मना किया कि ये मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एथेनॉल ब्लेंडिंग जबकि आता था बट वहाँ मिस्टेक की, ये गलती थी। और सबसे इंटरव्यू जाने से पहले मैंने यही सोचा था कि कोई नए मैनेजर सर आए या जेडम सर आए, उनसे मिलने जाना है, इसी तरीके से सोच के गया था, तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहा। ओवरऑल इंटरव्यू तो मुझे एवरेज ही लगा मेरा। अब मार्क्स कितने देते हैं वो उसके ऊपर है, क्योंकि IBPS मार्क्स में थोड़ा कंजूसी करता है, मार्क्स ही है मेन इंपॉर्टेंट, तो वो तो 1 अप्रैल को पता चल जाएगा कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना यार, और अब जल्दी स्टार्ट करते हैं अपन जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूट्यूब की वीडियो के थ्रू।
सैलरी स्लिप वगैरह प्लस कैसे आपको प्रिपेयर करना है अभी। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।